अभी आपको बराह रास्त लाहौर लिए जा रहे हैं। अली अफजल साही और असद उमर पीटीआई के रहनुमा इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैंने वो आइडेंटिफाई करवाए, ये डॉक्यूमेंट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये 27 ठेके निकले, 27 की 27 कंपनीज ने अंडरटेकिंग दी कि उनकी गैरत जाग गई है, मुल्की हालात उनके सामने हैं, वो मुल्की हालात को देखते हुए अपना 4-4.5% जो ऊपर गए हैं वो एस्टिमेटेड प्राइस से वो कौमी खजाने में वापस जमा करवाएंगे। ये पंजाब की तारीख में ना आज से पहले किसी की गैरत जागी है, ना आइंदा कभी जागेगी। सो ये कौमी खजाने को 87 करोड़ की बचत हुई है। सो मैं ये समझता हूं कि मेरा तो ये किरदार रहा है कि जैसे मैंने पहले कहा, मैंने इस पैसे को कौम की इमानत समझा है और मैंने इंतहाई जांफिशानी, मेहनत और ईमानदारी के साथ इस सूबे की खिदमत की है। अच्छा, आगे चलते हैं कि स्पेसिफिकली ये जो साजिश तैयार की गई ये एग्जैक्टली है क्या। अच्छा, अब एक एफआईआर काटी जाती है एंटी करप्शन की तरफ से और एक एक्सियन मंडी बहाउद्दीन उठता है जो इल्जाम लगाता है कि वो मोहम्मद खान भट्टी साहब, जो कि सबका वजीर आला के सबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो कहता है कि मैं उनको ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए रिश्वत देता था और जब मैं उनके घर ये रिश्वत देने जाता था तो अली अफजल साही और मोनस इलाही वहां पे मौजूद होते थे। अब आप लोग भी समझदार हैं, किसी की मौजूदगी उसका जुर्म साबित नहीं करती, लेकिन मैं हाई मॉरल ग्राउंड लेता हूं और मैं ये चैलेंज करता हूं, इनके पास मेरी सीडीआर मौजूद है, फोन का डेटा मौजूद है, मोहम्मद खान भट्टी साहब के घर के बाहर सीसीटीवी कैमराज मौजूद हैं, अगर ये सिर्फ ये साबित कर दें कि मैं कभी मोहम्मद खान भट्टी साहब की रिहायशगाह पे गया हूं, कभी गया हूं, तो मैं अपने आप को कसूरवार समझूंगा। सो ये जो एप्लीकेशन दी गई है, जिस तरह मेरे पे झूठा बोहतान लगाया गया है, तो बादी नजर में लगता यही है कि ये जो साजिशी अनासर हैं, ये मोहम्मद खान भट्टी साहब पे भी झूठा इल्जाम लगाया गया। अच्छा, अब अगला इसमें, सो एफआईआर में मैं एक्यूज नहीं हूं, मैं ये भी वाजे कर दूं, एफआईआर में मेरा रोल सिर्फ इतना ही बताया गया कि जब मोहम्मद खान भट्टी साहब को ट्रांसफर तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त एक न्यूज कॉन्फ्रेंस करें लाहौर से, बराह रास्त आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की।